तो ये हमने ना ऑनलाइन मंगवाई, ये पशुओं के लिए होती है जो मतलब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होनी होती है ना पशुओं की, इसके लिए तो ये बछड़ी के लिए है। बछड़ी ने हमारे ना टीका ले लिया है उसके लिए, इससे थन भी बढ़ता है और लोई बढ़ती है इससे, तो जो छोटे छोटे थन होते हैं ना उसके लिए बड़ी बेस्ट होती है ये रिसेलर AH। तो इसको ना चपाती के साथ देते हैं, जैसे एक चपाती दी और उस पर ऐसे लगाना है जैसे घी वगैरह भी लगाते हैं ना वैसे लगानी है, और एक एक चपाती सुबह 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 या शाम दोपहर को जब भी देने पर एक टाइम जरूर देनी चाहिए। तो ये थन बढ़ने में ना बड़ी फायदेमंद है, इस तरह से देना है इसको। बस इतना इतना सा और ऐसा है, और इस तरह से लपेटना है इसको इस तरह से, और दे रहे हैं पशुओं को। सुबह जब खाना बनाते हैं तो पहले रोटी हम पहाड़ी गाय के लिए देते हैं, तो पहले मैं वो दे रही हूँ। तो ना अगले महीने से लगाएंगे ये, इसको दे रहे हैं आजकल। ओ तो पंकज यहाँ पे मैक्रोनी बना रहा है और इसने पूरा मसाला लगा दिया है यहाँ पे, तो नाश्ते के लिए ना ये मैक्रोनी बना रहा है, पर ये ना वीडियो नहीं बनाता, मैं नहीं बनाऊंगी इसकी वीडियो पर बना रहा है। वो भिगो कर रखी कहाँ रखी, ये है इसकी मैक्रोनी यहाँ पे। बताती हूँ, सभी लोग ना अपने अपने काम पे लग गए हैं, काम वाले भी आ गए हैं। आजकल अच्छा खासा मौसम चला हुआ है, यहाँ है नीचे रीता, तो वहाँ से ला रहे हैं काम वाले अपने काम पे लगे। ये यहाँ पे रहता, ये मिस्त्री है और ये काम वाले हैं, और पशु हमारे अभी अंदर ही है। और यहाँ पे पंकज के पापा जी अपने काम पे लग गए हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं, बस मैं ही हूँ एक फ्री वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये रीलिंग बना रहे हैं, और पिछले कल जो है मैंने इस कमरे के बिस्तर डाले थे बाहर सुखाने के लिए, जो कि मैंने अभी बेड पे रखे हुए हैं। अभी मुझे ना ये सेल्फ साफ करनी है, और अब मौसम भी ऐसा लग रहा है कि अब बारिश कम ही होगी, और आज पंकज के कमरे के ना बिस्तर डालने हैं बाहर। यहाँ कोई भी खिड़की नहीं है, सिर्फ दरवाजा ही दरवाजा है यहाँ पे, और ये आज इसका बिस्तर डालेंगे बाहर सुखाने के लिए। तो यहाँ पे रखे हुए बोरी के जो हम बनाते हैं तापड़, वो इस तरफ सारे मैंने वही रखे हुए, जो बोरी होती है ना हमारे प्लास्टिक की उसके बना कर रखते हैं, आज ये डालेंगे बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है, और हल्की फुल्की सी मुझे सफाई भी करनी है। बस जिस कमरे के मैं बिस्तरे डाल रही हूँ बाहर, उसी कमरे के मैं सफाई भी कर रही हूँ, एक एक कमरा निकाल रही हूँ हर रोज, तो आज ये निकालूंगी मैं बाहर। ये बहुत लंबा काम है, बिस्तरे जब बाहर डाल दूंगी तब थोड़ी सी वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को पंकज जो है ना नाश्ता तैयार कर रहा है, पर वो वीडियो नहीं बनाएगा, ना बनाने देगा ना खुद बनाएगा। तो चलो मैं अपना ये वाला पार्ले वाला कमरा ना साफ कर लेती हूँ। हमारे उतने बड़े बड़े कमरे नहीं, छोटे छोटे से कमरे हैं और सिंपल जैसे हैं, ज़्यादा सुंदर कमरे नहीं हैं। और तो चलो मैं सफाई कर लेती हूँ पहले, और सफाई करने के बाद ना इनमें मुझे आज फिर से हल्की फुल्की सी धूप लगानी पड़ेगी, मतलब एक दो घंटे के लिए ना इनको बाहर रखना पड़ेगा। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था ना, ये जो बिस्तर थे जल्दी उठाने थे, धूप जब धूप थी ना धूप धूप में अंदर उठाने थे, पर पंकज को बताया था, पंकज ने नहीं उठाए थे, तो इस पर ना ओस पड़ गई थी, ऊपर से गीले गीले जैसे हो गए थे, तो इनको मुझे ना आज फिर से हल्की हल्की धूप लगानी है। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। ठीक, पंकज ने तैयार कर दिया मैक्रोनी, मैं पहली बार खा रही हूँ, मैंने आज दिन तक खाई नहीं ऐसे, कभी पता नहीं कैसा टेस्ट होता है। हाँ जी, कैसी बनी है वो बना रही पहली बार। टेस्टी लगी हूँ, और टाइम ना 10:30 का हो गया, मुझे सूखने सूखने डालते डालते या अभी मुझे इनको इकट्ठा करते करते कितना टाइम लगा। तो जब हमारे पास ना फोन नहीं हुआ करते थे तब हमारी ये कलाकारी चलती थी, और बड़े अच्छा था, देखो धागे की कलाकारी की हुई है बिनने के ऊपर, और जब मैं मान आते थे ना तो ऐसे बिनने देते थे उनके लिए बैठने के लिए ना, और
देखो सारे दिन ऐसे ही, कितने साल पहले जब ये टच फोन नहीं हुआ करते इतना मानते हैं। और ये जो ये होते हैं ना, ये खजूर का है, जो खजूर होती है हमारे झाड़ू बनाने के ना, ये उससे बनाते हैं। पहले इसको बोलना, बोलने के बाद फिर इसको भी बिनना है, बनाना इसी तरह से ढेर सारे। और ये जो ये बिनना है, ये अंदर जो धान की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो धान की घास होती है ना, उसका बना हुआ है। ये मुझे भेजा हुआ किसी ने, दिया हुआ मेरे को, ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। और ये भी है एक, तो थोड़ी सी वीडियो मेरे ना पंकज ने शूट कर दी। कभी कभी इसका मूड ठीक होता है ना, तब ये बना देता है वीडियो। बाकी ये पंकज के कमरे में थे ये पूरे बिस्तरे, ये बोरी के बने हुए होते हैं। और ये हमारे हिमाचल पहाड़ों में शायद सभी लेडीजें बना कर रखती हैं ऐसे, तो मैंने भी ऐसे ही बना कर रखे थे। ये काफ़ी साल पहले के हैं, जब वो फ़ोन भी हुआ करते थे, लेकिन फ़ोन के बारे में ना उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी। सिर्फ हम वीडियो देखते थे, खुद नहीं करते थे अपना ये काम, मतलब ये वीडियो का। आजकल तो सारा सब कुछ छीन लिया है फ़ोन ने, है ना। तो ये सारे जो है ना, ये अपने हाथों से बनाया हुआ, हर एक जो भी यहाँ पे बिस्तर डाला हुआ है। और ये जो ये होती है ना, ये जब हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं या ब्याह शादियों में होते हैं ना, तो ये जब ज़मीन पर बैठ कर हिमाचल में खाना खाया जाता है ना, तो उसके लिए इसको हम बैठ के बोलते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसे डाल दी हुई है मैंने नीचे को, देखो बड़ी लंबी होती है। नीचे से बताऊंगी मैं, जब मैं सड़क साइड को जाऊंगी ना तब बताऊंगी। थोड़ा बहुत ये जो कल भी निकाल रखे थे ना, इसको मैं इसी आंगन में रखा है, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर के लिए रहेगी धूप, और फिर जब धूप जाने लगेगी यहाँ से ना, तब मैं इनको समेट भी दूंगी अंदर की तरफ। ये इसलिए रखे क्योंकि इनको पिछले कल भी धूप लगी हुई थी। पहले के ज़माने और अब के ज़माने में ना बहुत अंतर हो गया। पहले के ज़माना था ना, तो जब ये टच फोन नहीं हुआ करते थे, तो जो गांव की लेडीजें बहू बेटियाँ होती थी, तो इस काम से जानी जाती थी कि इनके पास ना बहुत अच्छा काम करती हैं, सिलाई बुनाई जो भी है, तो इस काम से पहचान होती थी। और आजकल फ़ोन पर रील बनाने की पहचान होती है, जो सबसे अच्छी और ज़बरदस्त रील बनाएगी ना, वो सबसे उसके फॉलोवर सबसे ज़्यादा होते हैं। और पहले के ज़माने में ना ये पहचान होती थी। चलो ज़माने ज़माने की बात है, आगे आगे पता नहीं क्या क्या ज़माना आने वाला है। तो चलो, तो ये बड़ी बड़ी बैठ के डाली हुई है नीचे को, कि ताकि ये सूख जाए, इनको ना पलटने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ये है, ये वाली, ये खजूर के, जो खजूर होती है ना, उसके पट्टे की बनी होती है ये बैठने के लिए होती है। और जो ब्याह शादियों में ना धाम बनाई जाती है, तो जो धुआं दाल बनती है, उस दाल धोने के लिए बड़ी बेस्ट होती है ये। और ये जो लंबी वाली, ये भी खजूर की बैठक टाइप ही है, जैसी ये बनी हुई है बोरी की, वैसी ये बनी हुई, ऐसे बनाते थे खजूर की पहले, आजकल बरसात में। तो ये सारी जो कलाकारी है, ये अब ख़त्म है, सब लोग फ़ोन में बिजी है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी। और ये है हमारे आसपास की फुलवाड़ी, किचन गार्डन और घर का नीचे की तरफ का लुक। आजकल गाय रोड पर कुत्ते गड्डिया घूमे रो तब लग रो रचने, फिर सुनामी आए, फिर सुनामी ने जाऊ है विशु को ना लस्सी दी, उसने निखाया हुआ खाना, तो बर रहे भाई कुत्ते को, कुत्ते की कदर किया करो। बारिश का मौसम बन गया है और बादल आ गए पूरे आसमान में, तो अब हम इनको ना समेट लेते हैं। पंकज के पापा को भी ले आई हूँ मैं, पता नहीं लग, बारिश लगी ना धड़ाधड़, तो मैं नहीं समेट पाऊंगी इनको। तो हम ना तय यहाँ पे लगा देंगे, और फिर तय लगाने के बाद ना फिर ढुलाई करेंगे, अंदर को अंदर रख देंगे इनको। सूख गया वह, हल्के फुल्के जो भी इनमें सीलन वगैरह थी ना, वो सूख गई है, तो कर लेते हैं फटाफट से इकट्ठे ना, बारिश का बिल्कुल भी नहीं होता पता। बड़े बड़े की सारे की तय लगा दिए और पूरा लेंटर खाली कर दिया है। अब ये छोटे मोटे है, ये तो एकदम से हो जाएंगे, इनको मैं भी कर दूँगी। पंकज जा रहा है दुकान के पास, और ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये पहुँचा देगा कमरे में। ये ले जा बेटा इनको भी, और ये भी आगे इसको भी ले जा साथ में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और अब धूप भी निखर गई है, और बादल ना वैसे ही है, बारिश का बना हुआ मौसम, तो ऐसे धूप भी लगी हुई है। पर मैंने कर दिया अपना काम क्लोज, और अपना इसके बाद फिर घास काटने का काम लगेगा, और फिर शाम हो जाती है, घास काटते पशुओं का टोका करो, गोबर उठाओ, काउ साइड साफ करो। तो ये नीचे रहे दो तापड़। लो जी, अपना काम छोड़कर चले गए मार्केट में, अब ये कहाँ से करूँ मैं बंदा। ये लो जी,
सारा ताम झाम हो गया यहाँ से बंद। और इस तरफ ये सेल्फ ना, ये इसमें नहीं है ज़्यादा, सीलिंग इसमें कम है, इस साइड है ज़्यादा, इस साइड सेल्फ नहीं है। और इस तरफ इतने ज़्यादा साफ कर दिया है, कोई झाड़ू लगा कर और कपड़ा भी लगाया था। और ये मैंने खुद बनाया, ये मेरा ना दुपट्टा था, तो उसकी जो लेयर होती ना साइड की वो थी, तो ये इसका बना दिया। यहाँ का इस कमरे में सिर्फ बोरी के तापड़ वगैरह रहते जो ब्याह शादियों में यूज करते हैं ना वो वाले, बाकी यहाँ पंकज का बिस्तरा लगता है। और ये छोटा सा ही कमरा, छोटे छोटे कमरे, ये बिन्ने वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है। पूरा एक एक तापड़ उठाकर मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मुझे। और थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपके साथ, सिर्फ इस तरह से ना एक एक उठाकर अब जो नीचे रखने वाले हैं उनको नीचे रखूंगी, और जो ऊपर रखने वाले ना वो ऊपर रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से एक एक उठाकर एडजस्ट कर तो ये ले आए पंकज के पापा जी मिठाई का डब्बा। और ये ना जीप वाले से लेते हैं, जो शॉप वाले लेते हैं ना, जीप वाले देते हैं उनको, वहाँ से ले आए। ये देखो इसके लिए भाग दौड़ कर अपना काम छोड़ कर गए सारे, वहाँ ना वो बंद भी नहीं किया, वो बारिश आएगी देखो ये वे। और ये है नमकीन बूंदी और शिवियाँ नमकीन लगी पर खमकू दौड़ पर सामान थोड़ा थोड़ा रू रहा पड़ी है ऊपर तक। और बारिश लगी ना आज, मेरा घास गिल्ला हो गया सुबह से ना, मैं इस इन कपड़े के चक्कर में। तो अभी शाम के ना 6 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए, क्योंकि जितने को हमने बिस्तर वगैरह अंदर किए ना और अंदर उनकी सेटिंग वगैरह की, उतने को लग गई बारिश। और बारिश ज़्यादा नहीं पड़ी पर हल्की जैसी पड़ी, पर पड़ गई है। और ऐसी बारिश ना हमारे को चाहिए भी है, क्योंकि अब मक्की में दाना लग रहा है ना, तो दाने के लिए हल्की हल्की सी बारिश अगर रोज हो जाए ना तब ठीक है। ऐसी हल्की सी बारिश हुई जितनी की हमारी को चाहिए थी मक्की के लिए। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और घास तो हो गया गिल्ला, पर काटना तो पड़ेगा पशुओं के लिए। तो अभी मैं नीचे वाले खेत में जाऊँगी, वहाँ पर काटूँगी। और अब घास ना जल्दी जल्दी से काटना पड़ेगा, ऐसे भी जल्दी काटना पड़ता है, रात थोड़ा और जल्दी काटना पड़ेगा, क्योंकि शाम के ना 6 बज गए हैं और फिर आजकल 7:30 बजे तक जो है ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, और वीडियो के बारे में कोई प्रश्न सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच सके। तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।